गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आज मैं अपने लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज बनवाने वाली हूँ। मैं हमेशा ये ग्लासेस पहन के घूमती हूँ, बट अभी हमारे यहाँ शादियाँ होने वाली हैं, सो आई डोंट वॉन्ट टू वेयर दीज ग्लासेज एंड स्टिल आई वॉन्ट माई विजन टू बी क्लियर। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे साफ साफ दिखे और मुझे चश्मा भी ना पहनना पड़े, तो एक ही रास्ता है, कॉन्टैक्ट लेंसेज। सो मैं वो बनवाने जाऊँगी अपनी अम्मी के साथ। एंड बाय ऑफ द वीक दिखा देती हूँ, ये वाला स्कार्फ है जो मैं इसके साथ पहन रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा ये डॉटर्स डे वाले वीडियो में। एंड फिर ये अबाया हम लोग मतलब पहनूंगी, ये मेरा अबाया ऑफ द वीक है। तो बस गाइज, आई एम ऑल सेट टू गो। मैंने अपना अबाया भी पहन लिया है एंड मुझे जो है ग्रे और हेजल ये दोनों कलर के लेंसेज बनवाने हैं। मैं आ गई हूँ कॉन्टैक्ट लेंस के शॉप पे। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारे ग्लासेस हैं। यहाँ पे ये लोग ग्लासेस भी बनाते हैं एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज भी बनाते हैं, दोनों चीज़ें यहाँ पे बनती हैं। तो अभी जो है मैं लेंस बनवाऊँगी, जो मैंने आपको बताया था ग्रे एंड मैंने सोचा था कि ग्रे एंड हेज़ल कलर का लेंस बनवाना है मुझे, तो उनको मैंने अपने ग्लासेस दे दिए, उन्होंने नंबर चेक कर लिया एंड मुझे लेंस भी मेरे कलर के मिल चुके हैं। अब हम लोग जो है मैं और अम्मी आ गए हैं पीको वाले मार्केट में, पीको करवाने के लिए महर मार्केट। छोटे छोटे प्यारे प्यारे दुपट्टे और यहाँ पे दुल्हन होने वाली दुल्हन एंड दुल्हों के बहनों के जो हैं चादरें भी पीको करने के लिए दी थी, तो बस अभी वही हम उनसे ले रहे हैं। तो ये नहीं चादरें, हम लोगों ने चादरें ले ली एंड अब महरमा के जो हैं दुपट्टे पिको होने के लिए जाएंगे। ये चादरें पहले अम्मी एक दफ़ा देके गई थी, तो अब हम लोगों ने ले लिए हैं, अब महरमा के दुपट्टे पिको करने के लिए देंगे। आप लोग देखें इतनी सी है वो, लेकिन उसके नखरे देखो, उसके दुपट्टों पर भी प्यारी प्यारी पिकोएँ होती हैं। खैर मैं घर जाके आपको अच्छे से पिको दिखाऊँगी, फ़िलहाल बस थोड़ा सा मैं व्लॉग कर रही हूँ। वापस आ चुकी हूँ मैं, आप लोगों को अपने लेंस का एक्सपीरियंस भी बताती हूँ कैसा गया। और पहले मैं आपको महरमा के दुपट्टे दिखा दूँ, ये रहे महरमा के दुपट्टे, इतनी सी है, इसके दुपट्टे खाली चेक करो। तो इसके भी बलोची कपड़ों के लिए ही हैं ये वाले दुपट्टे, बहुत क्यूट प्यारे से हैं यार। और इस पर जो है थोड़ी सिंपल वाली पीको की है, फोकस नहीं हो रहा, इसकी जो पीको है थोड़ी सिंपल है कंपेयर टू बाकी दोनों का, पर ये भी बहुत प्यारा है। एंड इसके रेड वाले का तो सबसे प्यारा है, रेड वाले का दुपट्टा भी पूरा बहुत प्यारा है, आप लोग देख सकते हो इस पर छोटे 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 डायमंड शेप के डिज़ाइंस बने। और ये रहा इसका पीको, इस पर डबल काम हुआ हुआ है, कैन यू इमेजिन, महरमा का दुपट्टा इतनी सी बच्ची का। और ये रहा इसका तीसरा वाला दुपट्टा, इसका ग्रीन और ये वाला बिल्कुल सेम है, बस वो ग्रीन कलर में है, ये पिंक में है, और पीको इनका डिफरेंट है दोनों का, ये देखें आप, सो क्यूट। अभी मैं अपनी खाला को पिक्चर्स भेजूंगी महरमा के दुपट्टे के। तो मेरे जो लेंस का एक्सपीरियंस था मैं वो आप लोगों को बताती हूँ। हम लोग पहले गए वहाँ के शॉप पर, ठीक है, उसके बाद हम लोग ने उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको लेंस लगाना आता है, आपने पहले कभी लेंस लगाया है? तो मैंने बोला कि नहीं, मेरा फ़र्स्ट टाइम है। तो उन्होंने बोला ठीक है, पहले आप पहन के देखो, उसके बाद आप मतलब फाइनलाइज़ करो। मैंने भी उनसे पूछा कि मैं ट्राई कर सकती हूँ या नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है आप ट्राई कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो मैंने ग्रे कलर ट्राई किया, मैं यहाँ पर डाल दूँगी आप लोग देख लो, और मैंने हेज़ल कलर ट्राई किया, जो दोनों मुझे चाहिए भी थे और वो दोनों मुझे अच्छे भी लगे, लेकिन मुझे इतनी मुश्किल हुई लेंस पहनने में क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम था, इससे पहले मैंने कभी लेंस ट्राई नहीं किया। तो जब मैंने ग्रे वाला पहना तो फर्स्ट मैंने अपने लेफ़्ट आई पे पहना, और वो मैंने इतनी मुश्किल से कोई पहना है, जा ही नहीं रहा था अंदर, मेरे आंसू निकले जा रहे हैं, लेंस अंदर नहीं जा रहा था। उन्होंने शॉप के पंखे भी बंद कर दिए बिकॉज सर्दियों का सीज़न है, तो ये सीन है। उसके बाद मैंने फिर भी कोशिश की एंड काफ़ी टाइम बाद फिर मेरे लेफ़्ट आई में चला गया, कुछ 10 से 15 मिनट लगे मुझे सिर्फ लेफ़्ट आई में अपना वो लेंस डालने के लिए।
तो वो तो चला गया। फिर उसके बाद जब राइट आई में मैंने डाला, राइट आई में मैंने हेजल कलर डाला और लेफ्ट वाले में मैंने ग्रे डाला, तो ग्रे तो मुझे बड़ा पसंद आया। जब मैंने अपने आप को आईने में देखा, मैंने कहा यार अम्मी ऐसा लग रहा है तो मैं ही नहीं हूँ, कोई और है। खैर तो वो हो गया। उसके बाद जब मैंने राइट आई में डालने का ट्राई किया वो हेजल वाला लेंस, तो वो मुझसे थोड़ा आराम से चला गया, मतलब इतनी जल्दी भी नहीं गया था, मुझे दो ट्राइज लगे लेकिन चला गया। और ग्रे वाला तो इतनी मुश्किल से गुजरा था, मेरी आँख में बहुत मुश्किल हुई थी, बट फिर लेफ्ट वाला राइट वाला जो था वो इजीली चला गया हेजल वाला। तो बस यही सीन था। अब जब मेरे लेंस आएंगे तो आप लोग मेरे किसी न किसी व्लॉग में तो देख ही लोगे। सो या दैट्स इट फॉर टुडे यू गाइज। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो कि मैं आप लोगों के लिए और कौन सी वीडियोज़ बनाऊँ। ओके बाय।